बल्कि कैसे है, आपका स्वागत है। आज हम आपको बीपी नापने वाली मशीन को कैसे यूज़ करना है ये बताएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखिए ऐसे खोल लेंगे इसको। ये देखिए स्पेस लगाने के बाद इसको स्टार्ट करेंगे और ये है इस पर ये बांधने वाला, ये बेल्ट लगाने वाला जो है इसको कैसे लगाना है। टाइटली लगाएंगे इसको, ऐसे खोला हुआ पट्टी जैसा होता नहीं, इसको निकाल लेंगे उसमें से। ये देखिए ऐसे निकाल लिया, और उसके बाद पूरा नहीं निकालेंगे, बस ऐसे ही डाल देंगे। उसके बाद ऊपर ले जाके आर्म से ना फिर इसको, ये देखिए जहाँ से निकाला था उससे टाइटली इसको लेते हुए जहाँ उसको चिपकाने वाला होता होगा। ये देखिए ये उसका ब्लैक ब्लैक दिखता है, ठीक है, ला करके चिपका देंगे। अब हम इसको स्टार्ट कर देंगे। बटन है कि वो प्रेस कर देंगे, फिर ऑटोमेटिक वो अपना बताएगा, बंद भी हो जाएगा। कोई टाइम से मैं बंद बंद नहीं करना, स्टार्ट करना है बस, स्टॉप अपने आप हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ ऊपर लिख के आएगा, नीचे पल्स रेट लिख के आएगी, मतलब प्रेशर जितना होना चाहिए मैक्सिमम, नीचे मिनिमम 120 होगा तो करेक्ट रहता है। 138 है और 73 और पल्स रेट 69 है। ऑक्सीजन और होनी चाहिए। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि ये सब कितना होना चाहिए, मतलब वैसे तो उसमें डिब्बे में लिखा होता है बॉक्स में, आप जब लेके आएंगे तो। ये देखिए और अगली वीडियो में और अच्छे से समझा देंगे कि कितना होना चाहिए। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए, और मैं रिकमेंड करूँगी अपने घर में जरूर मशीन रखिए। अब हम इसको निकालेंगे, सेम प्रोसेस से जैसे हमने लगाया था वैसे ही निकालेंगे। तो हम वहाँ से निकालते हुए लूज कर लेंगे थोड़ा सा, ये देखिए जो टंगने वाला है इसी में चल लेते हुए निकाल। तो अगेन मैं बताऊँगी, रिकमेंड करूँगी इसको लीजिए बीपी नापने वाली मशीन, जिससे आप कभी भी घर पे अपना नाप सकते हैं, उस हिसाब से डाइट ले सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं अपने आप को। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए। बाय बाय।